नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी उदयपुरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पनीर मसाला बनाने जा रहे हैं, तो लीजिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, इसमें राई डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, कुछ लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची। मसाले को थोड़ी देर पकाएंगे। प्याज डाल रहे हैं, प्याज को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसको हल्का भूरा होने तक हम भूनेंगे। प्याज अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब इसमें हम लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसाला मिलाने के बाद इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। टमाटर प्यूरी को अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि यह तेल न छोड़ने लगे। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे, इसके साथ पनीर मसाला जो सब्जी का स्वाद बढ़ाएगा। इसे अच्छी तरह से हमें मिलाना है और इसे लगभग हमें 2 मिनट और पकाना है ताकि इसमें दही अच्छी तरह से घुल जाए। मसाला पूरी तरह से पक चुका है, अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर के हमने यहाँ पीसेस कर दिए हैं, अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब्जी को हमें लगभग 4 से 5 मिनट और पकाना है। पनीर मसाला बनके तैयार हो चुका है, अब ये परोसने के लिए तैयार है। पनीर मसाला बनके तैयार हो चुका है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार।